बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हमारा टॉपिक है वो है हिजरत नबी के मशकी सवालात। आज हम जो करेंगे वो इसके मशकी सवालात करेंगे। तो सबसे पहले हम सवाल नंबर एक में मुख्तसर जवाबात देखें। उसका अलिफ पार्ट है हिजरत नबी से क्या मुराद है। तो हिजरत नबी से मुराद यानी हिजरत के मानी है एक जगह से दूसरी जगह जाना। जब मक्का में कफार के जुल्म व सितम हद से बढ़ गए और इस्लाम की तरफ दावत देने के जवाब में हर तरफ से तलवार की झनकारें सुनाई दे रही थी, तो रसूल पाक ने अल्लाह के हुक्म से मक्का से मदीना हिजरत की, उसे हिजरत नबी कहते हैं। ये सवाल नंबर एक का जवाब। नेक्स्ट है हमारे पास, रसूल पाक ने नबूवत के कौन से साल हिजरत फरमाई। जब मुसलमानों ने मक्का से मदीना हिजरत की तो ये नबूवत का 13वां साल था, यानी हजूर पाक को नबूवत का ऐलान किए हुए 13 बरस गुजर चुके थे। रसूल पाक ने नबूवत के 13वें साल मक्का से मदीना हिजरत फरमाई। नेक्स्ट है, हजरत अमीर से कौन सी शख्सियत मुराद है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हजरत अमीर से मुराद हजरत अली की शख्सियत है। हजरत अली का शुमार उन अजीम शख्सियात में होता है जिन्होंने अपनी जानो माल को इस्लाम की राह में कुर्बान करने के लिए पेश किया। आप रजी अल्लाह को हिजरत मदीना के वक्त कुरैश की अमानतें संभालने और बिस्तर पर सोने का शर्फ हासिल हुआ। रसूल पाक ने हजरत अली से क्या इरशाद फरमाया। रसूल पाक ने हजरत अली से इरशाद फरमाया, मुझको हिजरत का हुक्म हो चुका है, मैं आज मदीने रवाना हो जाऊंगा, तुम मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़ कर सो रहो, सुबह को सबकी अमानतें जाकर वापस दे आना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सवाल नंबर 5, हजरत अस्मा कौन थी। हजरत अस्मा रजी अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह की बेटी, हजरत आयशा रजी अल्लाह की बड़ी बहन थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर गार में कयाम फरमा रहे थे तो हजरत अस्मा रजी अल्लाह उनको घर से खाना पकाकर गार में पहुंचाती थी। कुरैश ने रसूल पाक हजरत अबू बकर को गिरफ्तार करने का क्या इनाम मुकर्रर फरमाया। कुरैश ने रसूल पाक और हजरत अबू बकर सिद्दीक को गिरफ्तार करने का इनाम एक खून बहा के बराबर यानी 100 ऊंट करार दिया। सवाल नंबर 7, सराका बिन हजम कैसे तायब हुआ। कुरैश मक्का ने जब इनाम का ऐलान किया तो सराका बिन हजम इनाम के लालच में निकला, घोड़े ने ठोकर खाई, उसने कमान से फाल के तीर निकाले कि हमला किया जाए या नहीं, जवाब में नहीं निकला, लालच में फिर घोड़ा दौड़ाया और अब की बार घोड़े के पांव जमीन में धंस गए। फिर मुकर्रर तजर्बे ने उसकी हिम्मत पस्त कर दी और उसे यकीन हो गया ये कोई और ही आसार है। ये हमारे पास था सवाल नंबर 1। अब नेक्स्ट है सवाल नंबर 2, मतन को मद्देनजर रखते हुए मौजूद अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। जैसा कि हम चैप्टर की रीडिंग और उसको समझ चुके हैं, ये आप लोगों ने खुद चैप्टर पढ़ के इसको करना है। सवाल नंबर 3, दुरुस्त जवाबात की निशानदही करें। ये भी आप लोग चैप्टर में से दिए हुए, आपने खुद चैप्टर की रीडिंग जब करेंगे तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, कालम अलिफ को कालम बे से मिलाएं। ये भी आपका चैप्टर से ही है, ये आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 5 है, सबक हिजरत नबी का खुलासा तहरीर करें। इसको आपने मुख्तसर करके, क्योंकि आपके क्वेश्चन आंसर में आएगा तो आप लोगों का जो जवाब है वो 4 लाइनों तक ही होना चाहिए, 3 से 4 सतूर में इसका जवाब लिखना है। सवाल नंबर 6, इराम लगाएं। ये भी आपने खुद करने हैं। सवाल नंबर 7, मीनिंग दावत हक, जैसा कि अभी मीनिंग्स हम कर चुके हैं, इसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। दावत हक यानी दावत की पेशकश। हदफ निशाना मायूब बुरा, तरकिश तीरदान, खून बहा यानी खून के बदले में दी जाने वाली कीमत, जमा के वाहिद और वाहिद के जमा, हदफ आहदाफ, झनकारें झनकार, राय राय, जंजीर जंजीरें, कबीला कबाइल। सवाल नंबर जो 9 है वो आपको मैं पहले करवा चुकी हूँ, जिस तरह आपको पैटर्न बताया ना, ये आपका होमवर्क भी है, ये मैं आपको लिख के बताती हूँ। सवाल नंबर 10, दर्ज ज़ैल तरकीब के मानी लिखें। नंबर 1, आस्ताने मुबारक यानी घर मुबारक, बोसा गाय फलाइक यानी मखलूक के चूमने की जगह, फर्शे गुल फूलों का फर्श, ग्राम बहा कीमती, हमा तन चश्मे इंतजार यानी शिद्दत से इंतजार। ये हमारी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब आपने जो घर का काम करना है वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ।
ایکسرسائز میں آپ لوگوں کے سوال نمبر ایکسرسائز میں آپ لوگوں نے جو مشکی سوال آتے اس میں سوال نمبر دو جو کہ ابھی آپ کو میں نے بتایا خالی جگہ ہے, سوال نمبر تین درست جوابات کی نشاندہی یہ خود کریں گے بک پہ, سوال نمبر چار نیکسٹ اسی طرح, سوال نمبر چار, سوال نمبر پانچ, سوال نمبر پانچ کا خلاصہ ہے لیکن وہ آپ نے چیپٹر کریں گے سلیس اردو کے ساتھ تو یہ بھی کر لیں, سوال نمبر سیون کروا دیا ہے, ایٹ بھی آپ کو کروا دیا ہے, سوال نمبر نائن جو سلیس اردو والا یہ آپ نے لازمی کرنا ہے, اس کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے گھر میں, یہ آپ لوگوں کا کام ہے نیکسٹ. امید ہے کہ آپ کو یہ سارا سمجھ آ گیا ہوگا.